नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। मेरे साथ आज कई खास मेहमान हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे मेलबर्न टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल पर। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड़ जी हैं और सुशांत सिन्हा हैं जो राजनीति के मैदान के वैसे तो कोच हैं, लेकिन आज बात ये क्रिकेट के मैदान की करेंगे। क्योंकि आपने ये परिचय क्यों नहीं कराया कि इंडिया न्यूज की क्रिकेट टीम के कप्तान? चलिए, इंडिया न्यूज क्रिकेट टीम के कप्तान है और उन्होंने मुझे रिप्लेस करके कप्तान बने थे, ये बता देता हूँ। तो चलिए आज ये चर्चा बात को लेकर करेंगे कि पहले दिन भारतीय टीम के सिर्फ दो विकेट गिने हैं, लेकिन एक तरफ अगर हम रन देखें तो शायद आपको रन रेट थोड़ा सा स्लो नजर आएगा, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में अगर 215 रन बने 89 ओवर के खेल में तो फिर आपको लगेगा कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन दरअसल एक रणनीति के तहत ये बल्लेबाजी की गई जिसमें ओपनर्स ने अपना काम बाखूबी किया और उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली के बीच 92 रनों की साझेदारी ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद बहुत सुकून की नींद सोती नजर आएगी। तो अंशु जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं, उसके बाद कई सुलगते सवाल हैं सुशांत जी के जो आपसे पूछेंगे। पहले दिन के बाद सुकून की नींद आपको लग रहा है और दूसरे दिन जब उठेंगे तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होगी भारतीय टीम? मेरे ख्याल से देखो राजीव, अच्छी बात तो ये है कि चलो सुकून की नींद तो आएगी, मगर एक आपको एक ओपनर जैसा कोई खिलाड़ी मिला है ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से माइंक ने बल्लेबाजी की, मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल बल्लेबाजी की, बहुत अंडर प्रेशर नहीं थे, बहुत फ्री बल्लेबाजी थी। तो मेरे ख्याल से ये शुरुआत में होता है क्योंकि आप पहली टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपको कोई प्रेशर पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर क्या होता है, किस तरह की गेंदबाजी होती है, क्या होता है, मगर ये शुरुआत में अच्छी शुरुआत हुई तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए। और फिर 200 रन भले आपने जैसे जिक्र किया कि स्लो बनाए, रन रेट कम था, मगर रन बनाने बहुत जरूरी थे और दो विकेट पे आप 200 बनाओ मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर है। राजकुमार जी, जो रणनीति नजर आई पहले दिन के खेल की, पहले सेशन में 56 रन बने, दूसरे सेशन में भी ऑस्ट्रेलिया ने एक तरह से कह सकते हो सेशन को डिवाइड किया 50-50, एक विकेट भी गिरा, रन बहुत कम बनाया, लेकिन तीसरा सेशन आपको लग रहा है डिसाइसिव था इस टेस्ट मैच के पहले दिन, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा की साझेदारी और विराट ने रन रेट को थोड़ा सा बूस्ट करने का काम किया, लगभग 4 रन के औसत से रन बनाया उन्होंने जब वो बैटिंग करने आए, नहीं तो 2 से नीचे का औसत था। देखिए, बहुत कॉशियस स्टार्ट थी और शायद ज़रूरी भी था क्योंकि पिछला मैच जिस तरह भारत हारा है तो काफ़ी निराशा हुई थी और स्पेशली ओपनर्स की तरफ से। इस बार शुरुआत अच्छी हुई है और मेरे ख्याल से अब मौका है इस पर बिल्डअप करने का, और विराट ने आते ही थोड़े पॉजिटिव क्रिकेट ज़रूर खेली। पुजारा थोड़ा सा मुझे लगा ज़रूरत से ज़्यादा स्लो खेल गए, और लेकिन वो उनका स्टाइल है और वो उसकी ज़रूरत भी थी शायद इंडियन टीम को, तो उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया और अब ये मौका है कि बिल्ड करने का, क्योंकि लोअर ऑर्डर में हमारे पास अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं जो इस रन रेट को वापस ठीक उससे ही मिला सकते हैं। जिसकी बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, विजय हजारे जो बड़े बड़े क्रिकेटर थे, विजय मर्चेंट हमारे से सीनियर थे, वो ऐसे ही कहते थे कि आप पहले और दूसरे सेशन में आराम से खेलो, तीसरा सेशन जो होता है उसमें रन बनाने का चांस होता है क्योंकि आपके गेंदबाज थके हुए होते हैं, फील्डर्स भी थके हुए होते, तो तभी रन बनाना, और जो आज हमको देखने मिला है। आपको लग रहा है सुशांत भाई, जिस तरह कह रहे हैं कि गेंदबाज थके होते हैं, थकाने का काम हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल ने पहले ही कर दिया था, 66 बॉले हनुमा विहारी ने खेली, लेकिन आपका कहना कुछ और था, आप कह रहे हैं बलि का बकरा उनको बनाया गया। कह रहे थे कि टीम इंडिया को अच्छी नींद आएगी, मैं तो जानना चाहता हूँ हनुमा विहारी को कैसी नींद आएगी उसकी। एक तो सर मैं, आप सीरियसली बताइए कि सिलेक्शन पे भी थोड़ी हम बात करें, हनुमा विहारी अभी अपनी जगह जो है वो सीमेंट नहीं कर पाए, उनको पता है रोहित शर्मा आते ही उनके ऊपर खतरा है, आप उनको कह रहे हैं आप ओपनिंग कीजिए जो कि बहुत ही मुश्किल स्लॉट है, और वहाँ पर जिस तरीके से वो खेल रहे थे आपको लग रहा था वो स्लॉट के लिए ठीक भी है, और जिस तरीके से उनको चोटें लगी हैं सर, उनका मुझे लगता है मोराल और डाउन हो जाएगा। आप इसकी बात कर रहे हो, मैं भी बना था हनुमा विहारी मैं भी 5 और 6 नंबर बल्लेबाजी करता था। ये अपने भारतीय सिलेक्शन को, के टीम मैनेजमेंट को, कोच भी को, इनकी एक खासियत है कि आप जब अच्छे सेट होते हो, अच्छे रन बनाते हो, अच्छे फॉर्म में दिखते हो, ऊपर प्रॉब्लम है, आप अपनी चाल में बल्लेबाज, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे आप इनको जाके अपने ये बना दे। तो ये क्या वीरेंद्र सहवाग ढूंढ रहे हैं, विवेश लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं हनुमा विहारी में? देखो इसमें तो मैं तो समझता हूँ कि आप मिडल ऑर्डर बैट्समैन जिसने सलामी बल्लेबाजी की नहीं है, आप उसको सलामी बल्लेबाज, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में होता तो भी समझे कि विकेट अलग होती है, मगर ये मेरे ख्याल से ये गलत है। और एक
जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका कॉन्फिडेंस चलेगा, नींद तो जाएगी जाएगी, कॉन्फिडेंस चले जाएगा। पता है पृथ्वी शॉ जैसे ठीक होंगे वो रिप्लेस कर देंगे, मयंक इधर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको तो पता है कि मैं ना उधर का रहा हूँ ना इधर का हूँ, और पता नहीं और कॉन्फिडेंस नीचे जाना। और तो खासियत दूसरी ये है कि आप उनको ले जाते ऊपर, चलो ठीक है आप ट्राई करो वहाँ पे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर वो दो टेस्ट मैच ओपन करते हैं और फेल भी होते हैं तो उनको दोबारा वो मौका देंगे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन ये हो पाएगा राजकुमार? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और मैं गारंटी करता हूँ। नहीं तो ये गलत है, मतलब एक ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और मैं भी बहुत सरप्राइज था। आपके पास एक प्लेयर है जो वनडे में आपके लिए ओपन करता है, वो टेस्ट मैच में क्यों नहीं कर सकता? मना कर दिया तो आप वो नहीं खेले ना? आप एक मिडिल ऑर्डर जो न्यू कमर है, जो एस्टैब्लिश कर रहा है अपने आप को, उसको बलि का बकरा बना रहे हैं, वो गलत। ऐसे नहीं, पहले नए खिलाड़ी पहले ना सुशांत फॉरवर्ड फॉरवर्ड शॉट लेकर सिली पॉइंट पे खड़ा, डेफिनेटली तो ये वही हुआ है कि आप जाइए उनके लिए। नहीं नहीं, ऐसा तो ये तो गलत है कि अगर आपको एक प्लेयर अच्छा खेलता हुआ दिख रहा है, कि अच्छी फॉर्म में दिख रहा है, तो आप उसको ओपन करने के लिए बोल दें, तो ये तो बिल्कुल मेरा मानना है कि गलत डिसीजन है, भले टीम मैनेजमेंट का है, कप्तान का है, जिसका भी निर्णय है, ये बिल्कुल गलत है और उस प्लेयर के साथ अनफेयर है। कि अगर टीम मैनेजमेंट को ओपनिंग स्लॉट में दिक्कत दिख रही थी, मयंक के साथ किसी को तो लाना था, क्या पार्थिव पटेल विकल्प हो सकते थे? एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होता, ऋषभ पंत को आप ड्रॉप कर देते, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत की बैटिंग वहां पे बहुत सहज नहीं लग रही है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 20-30 रन का है, तो 20-30 रन से कोई फायदा तो है नहीं। आप ऋषभ पंत को ड्रॉप करके हनुमा विहारी वहां खिलाते, अजिंक्य रहाणे के लिए ओपन करते हैं, आपके पास चेतेश्वर पुजारा है जो लगातार 3 नंबर खेलते आ रहे हैं, मौका खिलाड़ी का नाम क्यों ले रहे हैं जो विराट के रडार में रहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक यंगस्टर के साथ गलत हुआ है। मेरा मानना यह है कि हनुमा विहारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उनको ओपन करने के लिए बोला जाए। कैसे कह सकते हैं राजकुमार जी, ऐसा करके कई हमें मैच विनर भी मिले, वीरेंद्र सहवाग बेस्ट एग्जांपल है, विवियस लक्ष्मण ने कई मैचों में पारी की शुरुआत कराई, सचिन तेंदुलकर ने, अंशु जी तब शायद कोच से, जब ऐसा कई बार मौकों पे किया गया। ये तो जो खिलाड़ी फॉर्म में, अगर आप उसको खिलाएंगे नहीं प्लेइंग 11 में और बाहर कर देंगे तब भी तो बुरा है। आप क्यों उसे ड्रॉप करेंगे जब वो अच्छा खेल रहे हैं? तो ऐसा किसी ने ऐसा क्या कोई टेस्ट रिकॉर्ड्स हैं किसी ऐसे किसी प्लेयर के जो कि उसे रिप्लेस करेगा ही? मैं बात रोहित शर्मा की कर रहा हूँ, मैं बात रोहित शर्मा की कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया है टेस्ट क्रिकेट में कि आपको उनको खिलाना जरूरी है? आप हनुमा विहारी को कैसे ड्रॉप कर सकते हो, जो एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है, जो अच्छा दिख रहा है, एक पोटेंशियल नजर आ रहा है फ्यूचर के लिए मिडल ऑर्डर में हमारे, आप उसको ड्रॉप, आप उसको बलि का बकरा बना देते हैं एक उस प्लेयर को एकोमोडेट करने के लिए? बिल्कुल, और हनुमा विहारी रहते मिडिल ऑर्डर में वो बिल्कुल सही रहता था मेरे ख्याल से, देखो क्योंकि उनने ओपनिंग किया भी है, किया भी। ऋषभ पंत आप देखो तो कीपिंग के हिसाब से, बल्लेबाजी के हिसाब से इतना कुछ खास किया नहीं कर पाए, तो पार्थिव कीपिंग भी कर लेते, ओपनिंग भी कर लेते, वो भी हो जाता। चलिए वापस मैच पे आ जाते हैं, सिलेक्शन तो अब देखिए जो चीज़ हाथ से निकल गई उस पर ज़्यादा बहस का मुद्दा नहीं, अभी मुद्दा ये है कि हम साल का ये आखिरी टेस्ट मैच जीते कैसे, और अगर पहले दिन के खेल के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 60-40 आपको नजर आएगा भारतीय टीम के पक्ष में, क्योंकि सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं, 215 रन। हमेशा कहते हैं जब आप स्कोरबोर्ड पर रन लगा देते हैं तो आपके पक्ष में थोड़ी सी हवा बहने लगती है। आपको लग रहा है अंशु जी विराट कोहली का एक शतक और चेतेश्वर पुजारा का एक शतक इस टेस्ट मैच को एकदम अलग मुकाम पे ले जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच वो है जहां पर पहली पारी डिसाइड करेगी कि आप इस टेस्ट मैच पे कहां हैं? बिल्कुल सही बात है, और जिस तरह के हमने विकेट देखे तो विकेट स्लो भी होती जाएगी। विकेट की तो मत, मुझे तो लग रहा है मेलबर्न में ड्रॉप इन पिच मुंबई से मंगाई गई, आपको नहीं लगा था ऐसा? नहीं बिल्कुल, पर कोई गेंद इसी उछाल मेरे ख्याल से, देखो ऐसी जो विकेट होती है सुधरती नहीं है, ये बिगड़ती जाती है, तो आपको बड़ा स्कोर बनाना, टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बल्लेबाज ऐसे जो लंबी पारी खेल सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि 100-100 की पारी खेले, एक बड़ी साझेदारी होनी चाहिए 150-200 रन की, 400-450 रन हो जाए पहली पारी में, तो मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत एडवांटेज रहेगा। सुशांत, इस टीम में, भारतीय टीम में 6 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 300 बनाए हुए हैं, अगर आप देखें ऊपर से लगे और रविंद्र जडेजा तक, इनमें से अगर 100-100 रन ही 3 बना दें तो आपको लग रहा है भारतीय टीम का उद्धार होगा? और विराट कोहली जो हाथ जोड़ के बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भैया रन बना दो इस टेस्ट मैच में, वो बहुत जरूरी अब नजर आ रहा है। सही बात, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिच आज बहुत ऐसा नहीं था कि टर्न भी करे या इस तरीके से लगे कि बैट्समैन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वैसी स्थिति नहीं थी, तो कल उम्मीद की जानी चाहिए कि वो रन बनाएंगे। लेकिन एक चीज ये है राजीव भाई, जो स्लो रन रेट के साथ दिक्कत ये होती है कि आपने दिन निकाला, आपके 2 विकेट दिख रहे हैं, लेकिन कल अचानक 2-3 विकेट गिरे तो फिर स्थिति गड़बड़ा जाती है, क्योंकि 9 ओवर पुरानी है सिर्फ, क्योंकि रन आपके पास उतने नहीं है। मेरे ख्याल से देखो, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि साझेदारी होनी चाहिए, एक साझेदारी हो जाएगी ना अच्छी है दोनों की, तो मेरे ख्याल से रन रेट भी ठीक हो जाएगा,
टारगेट भी अच्छा हो जाएगा और बाकी आने वाले बल्लेबाज के लिए उतना ईजी हो जाएगा। आपकी बात हुई है राजकुमार जी विराट से, ये स्ट्रेटजी, क्योंकि इंडियन इस इंडियन टीम से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि तीन से नीचे का स्कोर बनाएंगे और एक ऐसे फ्लैट ट्रैक पर टेस्ट मैच के पहले दिन जहाँ टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं। नहीं राजीव, इस बारे में तो नहीं बात हुई मेरी कि क्या स्ट्रेटजी रही थी, लेकिन हाँ ये मैं तो यही मान रहा हूँ कि जो जिस तरह हम पिछला मैच हारे हैं तो काफ़ी कॉशस स्टार्ट की है भारत ने और अब ये समय है बिल्ड करने का। अब हमारे दो भी विकेट गिरे हैं 214 रन पर और अच्छी स्थिति में है नीचे, बैटिंग ऑर्डर भी इस बार ठीक लग रहा है क्योंकि जडेजा आ गए हैं, रोहित शर्मा हैं और छः बल्लेबाज हैं, तो कुल मिला के एक एडवांटेज की स्थिति में है भारत। और कल अगर उस पर बिल्ड ऑन करता है जैसा अंशु जी ने कहा, अगर हम 400 का स्कोर पार करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सारी मुश्किल है। देख रहे हैं इस मैच में अगर इंडिया एक बार बैटिंग करे तो टेस्ट मैच जीतने की स्थिति में ज्यादा होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली, आपने देखा होगा लंच टाइम में उन्होंने दिखाया कि जिस तरह वो मॉपिंग हो रही थी और जिस तरह वहां से वो मिट्टी निकल रही थी तो वो काफ़ी चिंता का विषय होगा। और रविंद्र जडेजा ऐसी विकेट्स पे काफ़ी महारत हासिल है उनके पास, अगर टर्नर हो गया तो बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं बल्लेबाजों के लिए क्योंकि उनका ऑड बॉल ऐसा होता है जो उन्हें भी नहीं पता होता, सीधा निकल जाता है और कुछ बॉलें टर्न हो जाती हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना। अच्छा जी, नेथन लॉयन को आपने देखा आज गेंदबाजी करते, थोड़े से रस्टी लगे आपको, थोड़े अनफिट लग रहे थे, उनका पिवट भी नहीं हो रहा था और वो जो निप आता है उनकी बॉल में वो नहीं था, या पिच की वजह से वो बहुत ऑर्डिनरी लग रहे थे आज? नहीं, एक तो पिच का तो सवाल डेफिनेटली मैं कहता हूं कि पिच की वजह से जो उनको एडवांटेज था, या विराट ने ज्यादा अच्छे तरीके से खिलाई भी कह सकते हैं, वहीं आ रहा हूं। मगर ऐसा तो नहीं लग रहा था कुछ अलग से रखते कोई ज्यादा डिफरेंस था, मगर भारतीय बल्लेबाज खुल के बल्लेबाजी किया लियोन के सामने, मैंग ने शुरुआत की जी, स्टेप आउट होके पॉजिटिव खेले क्रिकेट, पॉजिटिव बल्लेबाजी हुई। उसमें क्या होता है राजीव के उनके जो रिदम होती है वो रिदम टूट जाती है क्योंकि जो अच्छे बॉलर थे उनको उनको आदत नहीं होती कि उनको मार पड़े, जब मार पड़ने लगती है ना वो दूसरा कुछ ट्राई करते जाते हैं, आगे डालेंगे, शॉट डालेंगे, फ्लाइट करेंगे, उसमें लाइन खत्म होती है, रिदम खत्म होती है, और जैसे रिदम खत्म होती और आप बल्लेबाज को उतना एडवांटेज होता। तो सुशांत भाई आपका गुस्सा कैसे ठंडा होगा, ऋषभ पंत अगर अच्छा रन बनाए तब ठंडा होगा, कैसे कैसे देखा जाए? मैं ये सोच रहा हूँ सर, मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी शेल में थी, रन रेट को लेकर रन नहीं बना रही थी, उनको नुकसान हुआ था। सेकंड टेस्ट में टीम इंडिया के साथ ये हुआ था, वो थोड़े शेल में थे, तो मुझे लगता है कल का दिन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा कि भले सोकर आएंगे गेंदबाज लेकिन पहले दिन की थकान तो होगी कि आप फील्ड में रहे हैं, तो उसको पहला एक घंटा निकाल के कैपिटलाइज करके अगर रन रेट ऊपर ले जाते हैं तो वो बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, और राजकुमार सर अगर हम लास्ट के 3-4 ओवर्स की बात करें, पिच बहुत मिसबिहेव करती नजर आई, एक बॉल विराट के सर के ऊपर से निकल गया और ऑलमोस्ट गुड लेंथ के ऊपर से, मतलब वो अनप्लेएबल था, एक यॉर्कर हुआ, फिर एक स्विंग भी हुआ, एक एज भी छूटा, आपको लग रहा थोड़ी हैपनिंग पिच में, जैसे जैसे धूप पड़ रही है, कल कहा जा रहा है 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसका भी असर होगा? क्योंकि पर्थ में सेम ऐसी हुआ था, जैसी धूप पड़ी पिच पे जान आई और पिच फिर उसके बाद अपना खेल करने लगी। बिल्कुल राजीव, बाद में तो विकेट ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वियर एंड टीयर हो गया है पहले दिन ही, अभी 4 दिन और मैच के बाकी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा टॉस जीता इस बार भारत ने क्योंकि चौथी इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेलनी होगी और वैसे भी हम चौथी इनिंग में स्ट्रगल ही कर रहे हैं इस पूरे साल में, कोई भी स्कोर नहीं चेज कर पा रहे, तो अभी तो ये हालत हो गई है कि टॉस होता है और कप्तान कहता है बिना विकेट देखे कि बल्लेबाजी करनी है, तो ये स्थिति आती है जब आप बिल्कुल चेज नहीं कर पाते हैं, तो कैसे भी विकेट हो आप चाहते हो कि हम बैटिंग करें। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया की हम जीते हैं वो टॉस और अब मौका है इंडिया के पास कि भारत एक बार खेल के ऑस्ट्रेलिया को दो बार खेले। आपने एक चीज बताओ कि ये विराट को टॉस जिताने का कुछ बोला, सिखाया कि कुछ बताया किस तरह से टॉस जीता जाता है, क्योंकि वो टॉस जीतते ही नहीं कभी। नहीं ऐसा नहीं है, इस बार देखिए कितना क्रूशियल टॉस जीता है और ये टेस्ट मैच भी जीतेगा। राजकुमार जी मुझे लगता है अब जो नए लड़के आएंगे ना उनको टॉस की भी ट्रेनिंग देंगे। सर फाइनल आंसर, विराट शतक लगा रहे कल? डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंट है और डिटरमिंड भी है कि रन बनाने हैं और आपसे डांट पड़ी थोड़ी जिस तरह लास्ट के ओवर बैटिंग कर रहे थे, वो थोड़े रस्सी बैट फेंक रहे थे वाइड बॉल्स पे, थोड़ा सा मुझे था लेकिन फिर मैंने कहा कल बैटिंग करनी है तो अभी वो कहने का फायदा नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है प्रेशर बनाने का, लेट हिम एंजॉय एंड लेट हिम रिलैक्स एंड प्ले। अंशु जी फाइनल रिएक्शन, पहला सेशन हमेशा कहते हैं टेस्ट मैच पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर मुझे लग रहा है पहले आधे घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 ओवर पुरानी बॉल है, 10-15 ओवर के बाद मूवमेंट खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आधा एक घंटा जो पहला स्टार्टिंग का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो जो निकल गया टाइम और विकेट नहीं गिरे तो मेरे ख्याल से दोनों शतक बना के। सुशांत भाई फाइनल
आप ही बताइए, हनुमा विहारी तो आउट हो चुके हैं। मेरी नजर तो ऋषभ पंत पे, वो यहाँ भी रन बना पाते हैं नहीं बना पाते, लेकिन मुझे लग रहा है 450 का स्कोर तो टीम इंडिया, आपको भी लग रहा है इंडिया एक बार बैटिंग करे तो अच्छा है 450-500 व्हाटएवर जो भी स्कोर, एक बार की भी इतना भी ऐसा आप ऑस्ट्रेलिया को मत मानिए, नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए हम इस टेस्ट मैच में एक बार खेलेंगे, पर अगर वो मुझे लग रहा है कि आखिरी आधे घंटे एक घंटे पहले अगर डिक्लेयर करते हैं ऐसी स्थिति रही तो कितना 450 का स्कोर दे पाएंगे मैक्सिमम, तो उसमें एक बार तो और बैटिंग आएगी आएगी मुझे लगता है, 450 में दो बार ऑस्ट्रेलिया को आउट करना नहीं मुझे 450 ये फिर भी अपना बल्लेबाजी तो करनी पड़ेगी सही, और उसके लिए अच्छी गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आप भी इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पेज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें।